हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार राठौर और आप देख रहे हैं AKR गुरुजी चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको फ़ोटोशॉप के टूल्स के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप फ़ोटोशॉप के टूल्स से बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज की इस वीडियो में आपको फ़ोटोशॉप में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना बताऊँगा। तो चलिए, देर ना करते हुए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। फोटो ओपन करना होगा तो डिस्प्ले पर डबल क्लिक करने पर हम यहाँ से फ़ोटो सिलेक्शन कर सकते हैं। जिस भी फ़ोटो को हमें पासपोर्ट साइज़ बनाना है उस फोटो को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। फ़ोटो ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे अपने फ़ोटो को क्रॉप करना होगा। हम अपने पासपोर्ट में साइज़ के फ़ोटो में कितना फ़ोटो रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे क्रॉप टूल लेंगे और क्रॉप टूल का यहाँ पे हम साइज़ देंगे 3.5 cm यानी सेंटीमीटर और विड्थ में हम साइज देंगे 4.5 cm यानी सेंटीमीटर। रेजोल्यूशन हम रखेंगे 200 और उसके बाद जो हम यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे अपने फ़ोटो का जितना भी हमें पासपोर्ट साइज़ में रखना है। मेक श्योर कि सिलेक्शन करते हुए हमारे फ़ोटो में जो है दोनों ही कंधे विजिबल होना चाहिए इक्वली। तो फ़ोटो के सिलेक्शन को हम जो हल्का फुल्का इस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ऊपर की साइड से ऊपर भी हल्का सा मार्जिन होना चाहिए और कंधे दोनों जो है इक्वल दिखाई देनी चाहिए इस तरह से। सिलेक्शन होने के बाद में हम कीबोर्ड से एंटर करेंगे और उसके बाद हम F प्रेस करेंगे मैक्सिमाइज करने के लिए और हम कंट्रोल प्रेस से इसको जूम कर लेंगे। उसके बाद अगर हमें फ़ोटो पर कुछ भी फेस पर और कुछ भी दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो उनको हम क्लियर कर लेंगे पैच टूल से। तो यहाँ से हमने पैच टूल लिया और देखिए जैसे यहाँ पर एक ये ब्लैक स्पॉट है तो इसे हमने सिलेक्शन किया और यहाँ से साफ वाले एरिया में उठा के रखा तो देखिए वो ब्लैक स्पॉट हट गया। इसी तरह से फ़ोटो पर कोई भी अगर ब्लैक स्पॉट आपको हटाना है तो बस उसको सिलेक्शन करना है आपको और उसको उठा के साफ वाले एरिया में रखना है तो वो साफ हो जाएगा इस तरीके से। ओके, उसके बाद हमें यहाँ से इरेजर टूल लेना है। इरेजर टूल लेंगे और यहाँ से हम कलर पे एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपने फ़ोटो पर किसी भी एक कलर पर जो भी आपको बेटर लगता हो उस कलर पर क्लिक करेंगे तो वो कलर हमारे पास यहाँ पे सिलेक्शन में आ जाएगा और हम उसको ओपन ओके कर देंगे इस तरह से। उसके बाद हम ये जो हमारा इरेजर का जो साइज़ है उसको थोड़ा छोटा कर लेंगे हम ब्रैकेट ओपन के साइन से और यहाँ पर ओपेसिटी 11 रखेंगे परसेंट और फॉलो भी 11 ही परसेंट रखेंगे। उसके बाद पूरे फेस पर हम इसको हल्का हल्का इस तरह से फेर देंगे जिससे कि फ़ोटो पर जो है फेस का जो कलर है इक्वली स्प्रेड हो जाएगा अगर हल्का फुल्का कहीं पर भी लाइट या डार्क है तो। उसके बाद हम फोटो पर थोड़ी ब्राइटनेस को एडजस्ट करने के लिए हम कंट्रोल एम करेंगे। कंट्रोल एम से हम फोटो पर ब्राइटनेस को थोड़ा ज़्यादा या कम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जैसा भी हमें फ़ोटो में ब्राइटनेस चाहिए और ओके कर देंगे। उसके बाद हम एफ एफ प्रेस करके वापस अपनी डिस्प्ले पर आ जाएंगे और यहाँ से हम कंट्रोल एन करके एक न्यू पेज लेंगे। पेज का साइज़ यहाँ से सिलेक्शन करना है, मैंने A4 साइज़ चुना है और रेजोल्यूशन मैंने यहाँ पर 200 रखी है। मेक श्योर रेजुलेशन हमें पेज पर वही रखनी है जो हमने फ़ोटो पर रेजुलेशन रखी थी। ओके करेंगे। उसके बाद हम मूव टूल की मदद से अपने फ़ोटो को पेज पर मूव कर लेंगे। सबसे पहले हमें फ़ोटो पर यहाँ पर एक स्ट्रोक लगाना है जिससे कि फ़ोटो हमें इक्वली दिखाई दे उसका जो शेप कहाँ तक है फ़ोटो पर। तो स्ट्रोक लगाने के लिए हम यहाँ से जाएंगे एडिट में और एडिट में यहाँ पर स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे। 2 पिक्सल का हमें स्ट्रोक लगाना है ब्लैक कलर में तो यहाँ से हम ब्लैक कलर सेक्शन करेंगे और ओके करेंगे। यहाँ से सेंटर पर क्लिक करना है और ओके करना है। स्ट्रोक यहाँ पर सेट हो गया है और उसके बाद हम फोटो को इस तरह से सेट करेंगे और उसके बाद हम ऑल्ट के साथ में माउस के लेफ्ट क्लिक से हम फोटो को ड्रैग करेंगे तो उसका डुप्लीकेट बनेगा। फिर से हम फोटो को ड्रैग करेंगे उसका डुप्लीकेट बन जाएगा। इसी तरह से हम डुप्लीकेट बनाते हुए फोटो को यहाँ पर सेट कर लेंगे।
फोटो की डुप्लीकेट बनने के बाद में हम फोटो को इक्वल मार्जिन से एडजस्ट करेंगे। तो मेक श्योर यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट लेयर पर क्लिक होना चाहिए, और उसके बाद जिस भी फोटो पे आप क्लिक करेंगे उसी फोटो पे आप काम कर पाएंगे। तो इनको इक्वली मार्जिन से हम इसको सेट कर लेंगे। ओके, देन उसके बाद जो है आपको लेयर बॉक्स में सबसे ऊपर वाली लेयर पर क्लिक करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करना है इन सभी लेयर को मर्ज करने के लिए। सभी लेयर मर्ज करने के बाद बैकग्राउंड को हमको अलग रखना है। उसके बाद हमें फिर से ऑल्ट के साथ में ड्रैग करना है, फोटो की डुप्लीकेट फिर से बनेंगी। इस तरह से फोटो की डुप्लीकेट बनाने के बाद में फिर से हमें उन्हें इक्वल मार्जिन से एडजस्ट करना है। और उसके बाद हमें फिर से कंट्रोल ई करना है कीबोर्ड से, तो ये जितनी भी हमारी फोटो की लेयर हैं वो सारी मर्ज हो जाएंगी। उसके बाद अगर हमें अपने फोटो पर बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो यहाँ से हम बैकग्राउंड पर आएंगे और यहाँ से कोई भी अपना बैकग्राउंड का कलर चुनेंगे, जो भी हमें बैकग्राउंड में कलर डालना है। तो यहाँ से हम सपोज हमने ब्लू कलर लिया है, तो बैकग्राउंड में कलर डालने के लिए हम यहाँ से ऑल डिलीट क्लिक करेंगे कीबोर्ड से, बट मुझे बैकग्राउंड का कलर वाइट ही चाहिए तो मैंने इसको वापस कर दिया कंट्रोल जेड से। पासपोर्ट साइज जो फोटो हमारा जो तैयार हो चुका है। इसके बाद हम अगर फोटो को प्रिंट आउट निकालना है तो हम डायरेक्ट यहीं से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, अगर हम अपने सिस्टम के साथ हम प्रिंटर अटैच कर रखा है तो। फाइल में जाएंगे और यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे, प्रिंट विद प्रीव्यू। मेक श्योर कि आपकी फोटो जो है पेज पर दिखाई देनी चाहिए इक्वल। अभी देखिए यहाँ पर टॉप पर जो है थोड़ी फोटो हमारी जो है मार्जिन में दब रही है, तो हम यहाँ से स्केल टू फिट मीडिया पर क्लिक करेंगे। तो देखिए फोटो अब जो है नॉर्मली चारों साइड से सही दिखाई दे रही है। उसके बाद हम प्रिंट की कमांड देंगे तो हमारा प्रिंटर से प्रिंट की कमांड प्रिंट निकल जाएगा। दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।